हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 13th of July 2020, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 47। और आज का थंबनेल आप लोग ने देखा होगा, टॉपिक में मिसलेनियस लिखवाया हुआ है। मिसलेनियस इसीलिए कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सारा टॉपिक हो गया, इस पूरे चैप्टर का सारा टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का सारा हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स जिसको कि एनसीईआरटी में आपका यूनिट 1 यूनिट 2 मिला करके जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा हो गया 46 लेक्चर्स में हो गया। बट अब मैं एक दो क्लास ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि अनऑफिशियली हम लोगों को पढ़ना है बट ऑफिशियली हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आज का टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, इसी को हम लोग बाउंड चार्जेस कहते हैं। पहले क्लास से लेकर के 46th लेक्चर तक हमने सीखा, खास करके 46th लेक्चर, जिन्होंने नहीं देखा हो सीधा अगर मतलब टॉपिक हेडिंग देखकर कर आ गए हो तो लेक्चर 46 देखिए, उसमें आपको सिखाया क्या है कि कैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो उस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। और शुरुआत के लेक्चर्स में बताया गया था कि इंड्यूस्ड चार्जेस किसको कहते हैं। तो बोलोगे सर ये तो जानते ही है, तो पढ़ना क्या, पढ़ना ये है कि 9th, 10th, 11th, 12th में सिलेबस ऐसा ही बनाया गया है कि जैसे जो टॉपिक पढ़ा दिया जाता है तो हम लोग को लगता है अच्छा समझ गए, फिर जैसे ही एक और टॉपिक उठ के आएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने सोचा नहीं था। उसी तरह से है, हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं इंड्यूस चार्जेस के बारे में और 46 लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्जेस इंड्यूस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आया पढ़ने में, बट फिर से वही बात है, आपने सोचा नहीं, टीचर ने बताया नहीं, टॉपिक में था नहीं कि वो जो इंड्यूस चार्जेस हुआ कैसे हुआ वो तो समझ में आ गया, कितना हुआ उसके लिए भी तो आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो मैंने बताया था मिसलेनियस की ये टॉपिक ऑफिशियली आप लोगों को नहीं पढ़ना है बट अनऑफिशियली ये तो आपको जानना ही है कि अगर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं कैपेसिटर को के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर तो उस इंड्यूस चार्जेस का फॉर्मूला कितना है, उसके लिए हम लोग ये डायग्राम को सेटअप कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, लेक्चर 46 एक बार देख लो ई नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक स्लैब फेस कर दिए तो इसमें होगा पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ये सब सिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का डायरेक्शन इधर आता है, क्यों इधर आता है, ये सब लेक्चर 46 में बताया गया है, पर देख लो यार लेक्चर 46 भास्कर क्लासेस के प्लेलिस्ट में, क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में देख लो यार, लेक्चर 46 में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल उतना नहीं करेंगे, अभी बातचीत है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, तो ये जो ई नेट बचता था एज प्रूव्ड इन लेक्चर नंबर 46, ये जो ई नेट मतलब फाइनली जो बचा जाएगा ई नॉट माइनस ई पी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और E नॉट बाई ई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेक्चर 46 में बताया, एक बार देख लो, E नॉट बाई ई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो इस E के जगह पर E नॉट बाई के, इस E के जगह पर E नॉट बाई के बराबर E नॉट बाई ई पी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज E नॉट कॉमन 1 - 1/k, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन लिख रहे हो तो पूरा सिग्मा तो आएगा नहीं, सिग्मा इंड्यूस्ड वाला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन में, जैसे सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k, सिग्मा बराबर q बाई a होता है, तो q तो भैया इंड्यूस्ड वाला होगा, तो q इंड्यूस्ड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होगा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो चेंज होने लगा, तो दैट इज एप्सिलॉन कट गया, और ये इंड्यूस्ड चार्जेस बहुत दिन से हम लोगों को मालूम था और 46 लेक्चर में मालूम चला कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, इस फॉर्मूला से इंड्यूस हो जाएगा, क्यू इंड्यूस बराबर क्यू इंटू 1 - 1/ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस बाउंड चार्जेस। थंबनेल आपको टॉपिक मिसलेनियस दिख रहा होगा, ये आपको अनऑफिशियली नहीं पढ़ना है बट ऑफिशियली पढ़ना है, या फिर वाइस वर्सा, इसी पर अगर k की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं भैया, k की वैल्यू 1 पुट करते हैं एयर वैक्यूम का,
तो ये जो QI है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये यही शो करता है कि अगर यहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब में अगर वो एयर वैक्यूम में या अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में केवल एयर वैक्यूम ही रह गया जिसका K की वैल्यू 1 है तो उसमें इंड्यूस चार्जेस 0 आता था। इंड्यूस चार्जेस का कॉन्सेप्ट तभी बैठेगा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करोगे। और जो लोग 46 लेक्चर देखे उन लोगों को मालूम होगा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को प्लेस करते तब ये कॉन्सेप्ट बनता है। फिलहाल आज का ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस बाउंड चार्जेस, क्यू इंड्यूस, आई इंड्यूस का है भैया जी, क्यू आई इंड्यूस का है, क्यू इंड्यूस का है भैया जी, दिस इज क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो इमेज 2018 में पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज लास्ट इन द इमेज 2018, बहुत बच्चों को समझ ही में नहीं आया ये फॉर्मूला कहां पर है, ये फॉर्मूला कहां पर है, यही मैं बता रहा था। ऑफिशियली नहीं पढ़ना है बट ऑफिशियली पढ़ना था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया हुआ 90 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ K बराबर दिया हुआ 5/3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, the magnitude of induced charges is the magnitude of induced charges, इतना हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं capacitance कितना हो जाता है, this is k times of actual वाला capacitance, अगर एक dielectric slab को press कर दिया जाए तो, ये सब coating वगैरह करवाया हुआ है, k is 5/3 and actual capacitance is 90 picofarad, 30 बार में कट गया, this is 150 पिको फराड, ठीक है? ये हो गया कैपेसिटेंस। अब हम लोग जो Q होता है वो निकालते हैं, Q बराबर C भी हो जाएगा, Q बराबर C तो भैया 150 पिको फराड हो जा रहा है, उसकी पावर -12, पिको में कितना होता है, उसका पावर -12 ही होता है ना, हाँ उतना ही होता है, उतना ही होता है, आगे बनाओ एक बार चेक कर लिया जाए, 1 पिको फराड 10 की पावर -12 फराड, ठीक है? और जी दिया हुआ था भैया 20, कितना हो गया, दिस इज 1.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -12 2 इंटू 10 की पावर 1 1.5 इंटू दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 3 3 में -12 दिस इज -9 यू कैन से कूलम और यू कैन से क्यू बराबर 0.3 नैनो कूलम बट ये नहीं निकाला था इंड्यूस चार्जेस निकाला था इंड्यूस चार्जेस दिस इज क्यू आई दिस इज क्यू 1 माइनस 1 बाय के दिस इज क्यू आई इज इक्वल टू क्यू का 0.3 1 माइनस 1 बाई के 1 बाई के इज 3 बाई 5 0.3 इंटू 2 बाई 5 0.3 इंटू 2 इज 0.6 एक सेकेंड थोड़ा सा तो ये डालते हैं आंसर जरा से एक सेकेंड तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों थोड़ा सा 3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज 3 ही ना 0.3 थोड़ी होगा 3 नैनो कूलम 0.3 थोड़ी होगा 3 इंटू 10 की पावर -9 तो 3 नैनो कूलम होगा तो ये तो 3 ही रह गया ना दिस इज 3 इंटू 2 बाय 5 दिस इज 6 बाय 5 दिस इज 1.2 नैनो कूलम तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड बाउंड चार्जेस। ये ऐरे गैरे अल्तू फालतू कोचिंग में नहीं बताया जाएगा आपको, ये आपको ट्यूशन में सीखना है कि ये अनऑफिशियली तो था ही ऑफिशियली भी ट्यूशन कॉपी में फॉर्मूला इंड्यूस चार्जेस का जरूर लिख करके रखना है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक भी मिसलेनियस के तहत ही पढ़ना है जैसे कि मैंने बताया और जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए ये लेक्चर में हमेशा मारते रहता हूँ 9th 10th 11th 12th क्लास में आप टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे टीचर से
तो आपको टॉपिक समझ में आ जाता, फिर आपको लगता वाओ हमने कॉन्सेप्ट समझा। फिर जैसे ही उसी टॉपिक को थोड़ा सा बाहर बताया जाता है तो फिर आपको लगता है अच्छा ये भी टॉपिक था, मैंने सोचा नहीं। जैसे ये टॉपिक मैं ढक लेता हूँ और आपसे बातें करता हूँ, कैपेसिटर आ गया समझ में। 10 क्लास पढ़ा, मेंस एडवांस का क्वेश्चन बनाया, एनसीईआरटी का बनाया, नीट का बनाया, बोर्ड्स का बनाया, प्रूफिंग किया, बट कभी ये सोचा प्लेट है कैपेसिटर का, एक में पॉजिटिव चार्जेस एक में निगेटिव चार्जेस, ये सब पहले बताया गया कैसे पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट में दूसरे में निगेटिव, तो उस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा भैया, उस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में भी तो एक फोर्स लगेगा ना भैया, यही से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यही तो सिलेबस है। जब तक ये टॉपिक आया नहीं हम सोच रहे, अभी आप वो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता था, हमने पॉजिटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स का कूलम लॉ तो याद कर लिया, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव होता, कूलम लॉ याद कर लिया, न्यूमेरिकल बना लिया, बट ये नहीं सोचा कि कैपेसिटर का जो प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव निगेटिव है उसके बीच में भी एक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे टॉपिक आता है वैसे ही आदमी सोचता है, ये टॉपिक आज तक आप सोचे नहीं थे, सच सच बताना, आप सोचोगे तो उसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पहले देख लेंगे, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का एज अ क्वेश्चन दिया हुआ, ट्यूशन में तो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है बट एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। नीट 2018 में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा गया था, नीट 2018 में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया था, नीट 2018 में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, ये एक सिंपल से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लोगे और थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे, लिखो लेट एफ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आगे ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय एन अमाउंट डेल्टा डी, मान लो ये है इसको थोड़ा सा दूरी कर दिए, पहले डी पर था थोड़ा सा दूरी डेल्टा डी पर कर दिए, तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, तो वो जो थोड़ा सा वर्क मतलब जो चेंज इन वर्क डन हुआ, पहले तो वर्क डन था इसको यहां रखने के लिए खींचे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, नाम है डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डेल्टा डी, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब 11th और 9th क्लास में बॉडी एनर्जी पावर चैप्टर पढ़े, वो वर्क डन का ही तो दिखेगा, ये जो इंक्रीजिंग का इंक्रीज हुआ वर्क डन का वो कहां पर दिखेगा, तो जो लोग कैपेसिटर के रेगुलर क्लास के उन लोगों को मालूम होगा, दूर चला गया तो पोटेंशियल भी तो बढ़ गया, चार्ज को इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो पोटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल, और यही तो चैप्टर का नाम था। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन आपको होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स को दूर करने में, वो वर्क एनर्जी पावर से वो इंक्रीज इन वर्क डन कहीं तो दिखेगा, तो वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखेगा। दिस वर्क डन अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द कैपेसिटर, देयरफॉर दिस डेल्टा यू ही ये दिखेगा एफ डेल्टा डी, इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एज प्रूफ कर लिया, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, स्टोर्ड एनर्जी का q² by 2c का फॉर्मूला भी डिराइव कर चुके हैं a epsilon naught by d, अब ये d ऊपर चले गया, दिस इज q² d/2a epsilon naught, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर डेल्टा u, हां तो भैया u अगर q² d/2a epsilon naught अगर डेल्टा u कितना होगा, q तो चेंज हुआ नहीं, 2 तो चेंज हुआ नहीं, a तो चेंज हुआ नहीं, epsilon naught तो चेंज हुआ नहीं, तो ये d चेंज हुआ, तो ये u चेंज हुआ, तो हम लोग डेल्टा u बराबर q स्क्वायर डेल्टा d by 2a epsilon naught लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली में इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जा रहा है, 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, 1 और 4 को अगर ध्यान से देखते हो, इसको और इसको और इसको मैंने सबको मिला करके, तो यहां का हो जा रहा है f delta d, और इधर का हो जा रहा है q² delta d/2a epsilon naught, तो ये delta d कट जाएगा, this f is equal to q square
by 2a epsilon naught f बराबर q square by 2a epsilon naught, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 50 करोड़ बार डिराइव कर चुके हैं। E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख रहे 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 हैं। F बराबर इसको हम लोग लिख रहे हैं हाफ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ऐसे लिख सकते हैं। Q लिखा क्योंकि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट अभी E के बराबर आ रहा है, तो F बराबर हाफ Q इंटू E आ गया। दिस इज द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। बड़ा मजे के कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग ने यहीं से चैप्टर शुरू हुआ था, सिलेबस यहीं से खत्म हो रहा है। E बराबर हम लोग हमेशा पढ़ रहे थे F बाय Q, तो F बराबर Q इंटू E होना चाहिए था, बट F बराबर हाफ इंटू Q इंटू E आ गया। ये एनसीईआरटी में पूछा गया कि बताओ हाफ कहाँ से आ गया, तो ये हाफ यहां से आ गया, ये हाफ यहां से आ गया, ये हाफ यहां से आ गया। एनसीईआरटी ने पूछा है कि पता हाफ क्यू ई कैसे हो सकता है, एफ बराबर क्यू ई तो हाफ क्यू ई कैसे होता है, तो ये हाफ क्यू ई यहां से हो सकता है। तो इस टॉपिक को नोट कर लो, ये भी मिसेलेनियस के अंतर्गत है। दिस इज फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यही पर अंतर है, मेंस एडवांस नीट का एग्जाम और स्कूल एग्जाम निकालने में यही अंतर है। स्कूल एग्जाम के लिए जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, वो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर याद किए हैं, और वो लॉस कॉमन पोटेंशियल लॉस इन एनर्जी याद किए हैं। बट जो आउट एंड आउट प्रवेश परीक्षा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, वो आपको इंड्यूस चार्जेस का फॉर्मूला बता देगा, वो आपको फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता देगा। वो पूरे 11th 12th क्लास में जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो जो सिंपल टॉपिक है जो सब बच्चा जानता है वो तो बताएगा ही, साथ में ऐसा टॉपिक भी बताएगा जो ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली आप लोगों को याद करना था। और जो अच्छे बच्चे लोग हैं, तैयारी करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और सिलेबस अपना अपना कवर करिए। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, आप लोग अपना आगे का पेमेंट जो है वो करते रहें, क्योंकि अभी घर पर रह करके ही हम लोग आसानी से स्कूल एग्जामिनेशन से लेकर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक सबका तैयारी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।